हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमल ब्लॉग। आप सभी को और एक नया ब्लॉग वीडियो पे। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं ऐसे जगह, मतलब एक ऐसा यूट्यूबर से मीटअप करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है टेक्निकल कैटेगरी में। तो चलिए वीडियो बन रहे हैं अंत तक और जानेंगे कैसे यूट्यूब पे सक्सेस करते हैं, या मतलब बहुत कुछ उससे नॉलेज लेंगे। और मतलब हम लोग उससे मतलब यूट्यूब करियर में वो बहुत बड़ा है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो में मजा आने गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ चुके हैं सौरभ दा के घर के सामने, अभी जाएंगे और मेकअप करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। लाल ब्लू। फाइनली हम लोग सौरभ भाई के मतलब घर के सामने आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यही घर है, चलिए उसके घर ही जाएंगे। आप लोग भी वीडियो बने रहे। तो गाइस, यही सौरभ भाई का घर है। तो चलिए ऊपर तरफ स्टूडियो है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग फाइनली सौरभ भाई के मतलब स्टूडियो पे आ चुके हैं। अरे यार सौरभ भाई, हेलो दोस्तों। ये भाई लोग मुझे मतलब काफी दिनों से बोल रहे हैं कि आपके स्टूडियो पे जाना था, आपसे मिलना था, और फाइनली इनका भी टाइम हो गया और हमारा भी टाइम निकल गया और फाइनली भाई लोग आ चुके हैं। और काफी हम लोगों ने बातचीत किया, भाई लोगों ने स्टूडियो देखा, छोटा सा ही स्टूडियो है लेकिन जो भी है अपना है। और मतलब ये सक्सेस मतलब एक क्या बोले, और ये तो मतलब ड्रीम है। तो गाइस ये मतलब क्या बताऊं, जितना भी शब्द बोलूं उतना कम है। इस चीज को पाने के लिए मतलब सब अभी लगे पड़े हैं। तो मतलब सौरभ भाई को मतलब जितना भी बात बोलूं उतना कम है, क्योंकि अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों से मतलब मीटअप किए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया आपसे कहना चाहता हूँ। नहीं भाई, आप लोगों के लिए हम हमेशा हाजिर है, कोई ऐसी भाई बड़ी बात नहीं है इसमें। और भाई के आप लोग पूरा सेटअप देख सकते हैं, मतलब हर ए टू जेड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे रिंग लाइट है, डीएसएलआर भी है, स्टैंड है, हर तरह की चीज है। और भाई का चैनल का नाम है टेकी सौरभ, जैसे कि आप लोगों ने मैं आते आते आप लोगों से कहा भी कि चैनल बहुत सब्सक्राइबर है, मतलब 3.5 लाख के करीब। तो चलिए भाई से कुछ बात करते हैं। आप लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब बोल रहे हैं यूट्यूब में जो देखिए सब लगे पड़े हैं, तो मतलब यूट्यूब किस लिए करना चाहिए, मतलब एक पैसे के लिए या फेम के लिए, मतलब या कुछ अपने लिए बनाने के लिए। मतलब देखो, अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो मैं यही बोलूंगा कि यूट्यूब पैसों के लिए नहीं, मत करो, ठीक है। आप अपने पैशन को शो करो, जो आपका टैलेंट है, जो आप दिखाना चाहते हो लोगों को, वो शो करो, पैसा अपने आप आएगा। क्योंकि आप अगर आप पैसों के लिए करोगे तो फिर ये मतलब उस तरीके का आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप अपने मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से करो इसको, एक पार्ट टाइम के हिसाब से करो। आप एक अगर एक डेली वीडियो बनाते हो तो डेली एक ही वीडियो बनाओ, उसको डालो, फिर देखो अपने आप आपका वीडियो धीरे धीरे व्यूज आना लगेगा, फिर आपको अपने आप इंटरेस्ट भी आना लगेगा। जब आपके कुछ व्यूज आते हैं ना, कुछ सब्सक्राइबर आते हैं, कुछ लाइक्स आते हैं, तब आपको खुद लगता है कि मुझे डेली वीडियो पोस्ट करना चाहिए और इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आप जैसे आपका चैनल ग्रोथ होता जाएगा तो पैसा तो भाई आना ही है, पैसा एक दिन यूट्यूब से आना ही है एकदम, वो कोई मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा आएगा। लेकिन आपको है ना जो कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि दो चार वीडियो डाल दो और छोड़ दो ऐसे में यूट्यूब, मतलब आप फिर वो मतलब टाइम पास के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप मतलब स्टूडेंट हो, कोई काम करते हो, फिर इसको एक वीडियो भाई बनाने में, मैं मेरे हिसाब से बोलूं, अगर आप नए हो तो भी एक वीडियो बनाने में मुश्किल से 1 से 2 घंटा ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो मतलब एक चीज मतलब पता चल रहा है कि कंसिस्टेंसी मतलब रखना पड़ेगा हम लोग को। बिल्कुल कंसिस्टेंट कोई भी काम हो, अगर आप जैसे कोई जॉब भी करता है तो वहां पे उसको डेली जाना होता है। तो यूट्यूब को अगर आप देखो, यूट्यूब का जो काम है वो आपका खुद के ऊपर है। आप अगर काम करोगे तो आप करोगे, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, करोगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है ना। तो ऐसा यूट्यूब को मतलब इसको भी जॉब की तरह ही लेना पड़ेगा कोई भी किसी भी तरीके से। तो भैया आप मतलब यूट्यूब आपके मतलब कैसे माइंड में है कि यूट्यूब आप करेंगे, उसके बाद इतना आपको सक्सेस भी मिल गया,
मतलब कब आप सोचे थे, कब आप स्टार्ट भी किए थे? तो ये बात है 2016 की, जब जियो आया था पहली बार, तो मैंने किसी दोस्त के फोन से हॉटस्पॉट लेके वाईफाई चलाता था उस टाइम, क्योंकि डेटा भी बहुत महंगा हुआ करता था उस टाइम। तो YouTube चलाते चलाते मेरे सामने एक वीडियो आया कि YouTube से पैसे कैसे कमाएं। तो वही जो वीडियो था, और वो चैनल भी मुझे आज तक याद है किसका मैंने वीडियो देखा था, और उसी वीडियो ने मुझे YouTube की तरफ लाया। उस वीडियो को मैंने देखा, वहां से मुझे पता चला कि YouTube से पैसे भी कमाए जाते हैं, और उसके बाद मैंने पूरा रिसर्च करना शुरू किया कि YouTube से पैसे कैसे कमाते हैं। फिर मैंने एक एक सारी चीजें सीखा कि YouTube में वीडियो डालना पड़ता है, फिर आपका मतलब एक टॉपिक होता है, फिर थंबनेल होता है, एडिटिंग होता है, मतलब बहुत सारी चीजें। उसके बाद एक एक करके सीखा, और उसके बाद वीडियो बनाते गया। इसी तरीके से मुझे यूट्यूब के बारे में, और मतलब एक जो एक मोड़ आता है जहाँ पर आपका मतलब चेंज हो जाता है, यूट्यूब आपका लेवल मतलब वायरल हो जाता है, आपका कब हुआ था? देखो, अगर वीडियो वायरल होने की बात करें तो करीब मैंने पहली बार तो एक चैनल बनाया था जो शुरू में 2016 में, उसमें 10 या 12 वीडियो डालने के बाद ही मेरे एक वीडियो पे व्यूज आया था 80,000। उस पे मैंने बताया था कि जो आर्मी का 1600 मीटर का जो रेस होता है उसे 6 मिनट में पूरा कैसे करें, और उसमें मेरा वॉयस नहीं था, वो कंप्यूटर का वॉयस था, और उसमें मैंने फोटो डाल के बनाया था। तो वही वीडियो वायरल हुआ था, फिर मैंने उस चैनल को छोड़ दिया। फिर अभी जो ये चैनल देख रहे हो आप लोग, तो इस चैनल को फिर बाद में बनाया था, और इस चैनल पर वीडियो करीब 60-70 या 100 वीडियो डालने के बाद ही वायरल हुआ था। मतलब एक चीज है, मतलब आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा भैया, और बता दीजिए मेरे सब्सक्राइब लोग को, जो व्यू देख रहे हैं, कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, दिव्येंदु गोराई व्लॉग्स चैनल को देख रहे हो, अभी कभी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ये अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, विलेज लाइफ स्टाइल और काफी टूरिस्ट प्लेसेस के व्लॉग्स भी डालते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करो भाई को, और मतलब क्या बोलते हैं, वो पहुंचाओ इसे एक अच्छे मुकाम पर। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे ना अच्छे। तो थैंक यू भैया, थैंक यू आने के लिए आपका भी, और आपको तो मतलब क्या बोले, इतना आपका मतलब टाइम देने के लिए हम लोग के साथ। तो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक, और आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसा हो रहा है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।